Good morning, everyone. In the last lecture, we understood what do you mean by input GST and what do you mean by output GST. Input GST is a GST that you pay at the time, right? At the time of purchase of goods and services. जब आप goods and services buy करते हो, चाहे वो cash पे हो या credit पे, right? You have to pay the GST to the supplier, to the seller, right? That GST is called as input GST, which is your asset. It's not your expense. It's not expense, it's your asset. Then when you sell the goods and services to your customers, you collect GST from them. You add GST in your invoice and you collect it from the customer. That GST is called as which GST? That GST is called as output GST. And output GST is your liability and not income. समझे आपके कस्टमर को क्या बोलते हो आप आपके कस्टमर को बोलते हो कि देख ये जीएसटी मेरा नहीं है ये मुझे गवर्नमेंट को देना है तुम्हारे भी आप पे सो ऑलवेज रिमेंबर जीएसटी पेड बाय यू इज इनपुट जीएसटी विच इज असेट एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय यू राइट इज आउटपुट जीएसटी विच इज योर लायबिलिटी जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे यू विल पे द नेट अमाउंट The amount collected by you minus amount already paid by you, right? That will be paid to government. उसको बोलते हैं set off mechanism. क्या बोलते हैं set off mechanism, which you learn in the taxation. जब आप right GST सीखोगे indirect taxes, right? GST सीखोगे तब तुम्हें समझेगा, right? वो कैसे set off लिया जाता है? उसके लिए returns होते हैं, GST returns वगैरह आपको submit करने होते हैं. Try to understand. Burden of GST is transferred to whom? Finally, GST का burden किस पे आता है? Final consumer. Actually, जो बीच वाले लोग हैं, मतलब middleman और supply chain में जो businesses कर रहे हैं, traders हैं, वो GST सामने वाले को pass on करते हैं. सामने वाला फिर उसके सामने वाले को pass on करता है. And end में, right, जो finally goods consume करेगा, he has to like pay the GST. Are you getting my point? Then try to understand, right? GST, मैंने बोला था, एक होता है CGST, Central GST, दूसरा होता है SGST, State GST, एक होता है IGST, जब buyer and sellers belongs to different states, right? Okay, एक union traders के लिए भी है UGST. Are you getting my point? जो हमारे सिलेबस में है वो सब राइट वी आर एज्यूमिंग द बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू सेम स्टेट बट एक्चुअल में देयर कैन बी बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स उस केस में आईजीएसटी आता है आईजीएसटी का बाइफर्केशन नहीं आता मतलब इफ यू बाय गुड्स फ्रॉम बेंगलोर वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र इफ यू बाय गुड्स फ्रॉम लाइक बेंगलोर तो जो इनवाइस आएगी ना उसमें आईजीएसटी 18% आएगा आईजीएसटी कितना आएगा 18% बट वही गुड्स हम पुणे या बॉम्बे से बाय करेंगे राइट तो उसमें 18% बाय फॉरगेट होकर आएगा सीजीएसटी 9% एचजीएसटी 9% आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो ऑलवेज रिमेंबर जो जीएसटी इनवाइस होती है उसमें बायर का भी राइट जीएसटी नंबर आना चाहिए एंड सेलर का भी जीएसटी नंबर आना चाहिए समझ में आ रहा है सो वही हमें समझना है राइट मैंने उस दिन एक तुम्हें क्या दिखाई थी एक मॉडल क्या दिखाई थी तुम्हें एक मेरे पास रहेगा शायद से अगर डिलीट नहीं किया होगा तो मुझे याद नहीं मैंने डिलीट किया या नहीं किया लेट मी शो यू उस दिन हमने देखा था मैं एक Okay, let me, yes, unicorn ka tha, right? Let me show you. Let me show you. Matlab, accordingly, hum us pe discussion start karenge, theek hai? ये नहीं रहेगा यहाँ पे
ओके लेट मी शेयर सम ऑफ द एग्जांपल सर, मैं तुम्हें अकाउंटिंग भी समझाऊंगा ऑब्वियसली, आज लिख लेना ठीक है, मुझे अकाउंटिंग भी समझानी है, आई विल शो यू रियल लाइफ एग्जांपल्स और हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, लिख लेना। यस एग्जाम्पल नंबर वन, आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम जीएसटी की अकाउंटिंग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, जीएसटी अकाउंटिंग। ठीक है, जीएसटी अकाउंटिंग, लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर। यस ठीक है, जीएसटी अकाउंटिंग लिख लेना। राइट, इनपुट जीएसटी, बोलो मैडम, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेस। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ GST paid at the time of purchasing what? Goods and services. What is output GST? What is output GST? जीएसटी कलेक्टेड और लेवीड, कस्टमर को लेवी करके कलेक्ट करोगे ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है, इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या क्या हो सकता है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट क्या हो सकता है? सेम, अगर मैं महाराष्ट्र के कस्टमर को सेल कर रहा हूं, सेम स्टेट के कस्टमर को सेल कर रहा हूं, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एचजीएसटी लगाऊंगा इनवाइस में। इनवाइस में दो चीजें लगाऊंगा, अगर बायर एंड सेलर सेम स्टेट के हैं तो इनवाइस में दो टाइप्स के जीएसटी आएंगे, सीजीएसटी एज वेल एज एचजीएसटी। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एचजीएसटी। अगर मैं किसी अदर स्टेट के बायर को सेल कर रहा हूं तो मैं इनवाइस में क्या लगाऊंगा? आईजीएसटी। उस आईजीएसटी को क्या बोला जाएगा? आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इनपुट मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस, आउटपुट मतलब एट द टाइम ऑफ सेल। यहां तक क्लियर है? एग्जांपल लिखो, राम परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1,10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। मुझे बोलो, मतलब राम ने कितने के गुड्स परचेस किए? 1,00,000। हमारे लिए क्या वैल्यू रहेगी? 1,00,000। मुझे बोलो जो टैक्सेस रहेंगे वो 1,10,000 पे लगते हैं या 1,00,000 पे लगेंगे? 1,00,000। उस दिन देखा था, माइनस माइनस डिस्काउंट करके टैक्सेस थे, इफ यू रिमेंबर राइट। सो राम परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 1,10,000 At 10,000 trade discount, मतलब purchase कितने? 1,00,000 from Sita। ठीक है, CGST 9%, SGST 9%, बराबर।
पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एज वेल एज सीता, इन द बुक्स ऑफ राम एंड सीता, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मैडम मुझे बोलो, राम ने सीता से गुड्स बाय किए, बराबर, राम ने सीता से गुड्स बाय किए, यस और नो? राम इज बायर, सीता इज सेलर। ये कैश ट्रांजैक्शन लिखा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन था? क्रेडिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे आए तुम्हारी ग्रॉस वैल्यू, कितनी ग्रॉस वैल्यू बोलो मुझे, 1,10,000। पहले क्या माइनस होगा? टीडी। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? तो व्हाट इज योर इनवॉइस वैल्यू? और इस 1,00,000 पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? एड CGST रहेगा, कितना परसेंट? विच इज 9,000। देन और क्या ऐड होगा? SGST एट द रेट ऑफ, बोलो कितना? नाउ टेल मी टोटल, मुझे बोलो, राम सीता से गुड्स बाय करेगा, राइट? आप राम सीता को कितना पे करेगा? 1,00,000 पे करेगा, 1,18,000 पे करेगा? राम सीता को 1,18,000 पे करेगा, उसमें से सीता खुद के पास कितना रखेगी? और 18,000 किसको देगी? गवर्नमेंट को। सीता क्या बोलेगी? 18,000 मेरा है ही नहीं, ये टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट कर दो। तो राम विल पे 1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी, सीता विल कलेक्ट 1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी। राम के लिए एक्सपेंस कितना है? 1,00,000। एंड जो उसने 18,000 टैक्स पेड किया है, वो राम के लिए एक्सपेंस होगा या असेट होगा? असेट। असेट का यूज होता है, एक्सपेंस का यूज खत्म हुआ होता है। राम वो 18,000 का बेनिफिट कब लेगा? जब वो गुड सेल करेगा तब। सीता हैज कलेक्टेड रुपीज 1,00,000 प्लस 18,000 टैक्स। सीता की इनकम कितनी है? 1,00,000। एंड 18,000 उसने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो उसका या गवर्नमेंट का है? तो शी हैज टू पे टू हिम, तो वो उसकी लायबिलिटी हो गई, उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So, यहाँ पे परचेस या सेल कितने का है? 1,00,000। राम बोलेगा मेरे लिए परचेस 1,00,000 का है, एंड जो मैंने टैक्स पेड किया वो मेरी असेट है। सीता बोलेगी मेरे लिए सेल इनकम कितने की है? 1,00,000 की। जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है वो क्या बोलेगी? मेरी लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो अब राम के बुक्स में एंट्री, और बाजू में हम किसके बुक्स में एंट्री लिखेंगे? सीता। तो यहाँ पे लिखना राम के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, हाफ पेज पे, और रिमेनिंग हाफ पेज पे लिखो, राइट, सीता के बुक्स में क्या एंट्री। दोनों के बुक्स में एक साथ समझोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अरे ये सुनो, मैडम कैश डिस्काउंट अगर रहेगा तो इनवाइस वैल्यू पे लगता है, पहले इनवाइस बनेगी फिर कैश डिस्काउंट लगेगा। समझ में आ रहा है? पहले इनवाइस बनेगी, ये 1,18,000 की इनवाइस बनेगी, बाद में वो बोलेगा मैं तुरंत पे करना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे सर 10% कैश डिस्काउंट ले ले, तो हम उसको 1,18,000 का 10% नहीं देंगे, 1,00,000 का 10%। कैश डिस्काउंट अगर देने की बात आती है, राम को कितना पे करना है सीता को? 1,18,000। बाद में राम बोलता है मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए, सीता 1,18,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं देगी, सीता विल गिव कैश डिस्काउंट ऑन रुपीज 1,00,000। गवर्नमेंट के टैक्सेस पे वो कैसे डिस्काउंट देगी? वो खुद के अमाउंट पे डिस्काउंट देगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये सुनो, यहाँ पे ध्यान देना, राम एंड सीता, राम के बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी, सेल्स की एंट्री आएगी, सीता के बुक्स में किसकी एंट्री आएगी? सो परचेस हो रहा है, तो परचेस क्या होगा? ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, राम विल डेबिट व्हाट? परचेसेस, परचेसेस अकाउंट। अगर आप तुम गुड्स बाय करते हो तो परचेस,
बट अगर कोई फिक्स असेट बाय करोगे तो कितने फिक्स असेट अकाउंट से। तो मैडम कितने के परचेस है बोलो मुझे, 1 लाख। डोंट कॉल 1,18,000 एज ए परचेस, 1 लाख के परचेस है मैडम, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, बराबर। फिर मैडम तुमने टैक्सेस भी पेड किए ना, तो टैक्सेस पेड इज योर असेट्स, असेट्स क्या हो गए डेबिट, तो आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, असेट डेबिट हो रही है, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं, असेट भी डेबिट होते हैं फॉर इंक्रीज, बराबर। यहाँ पे असेट बन रही है, तुम जितना टैक्स पे करोगे जीएसटी उतना तुम्हारा असेट क्या होगा बढ़ेगा, कितना 9,000। तो राम कस्टमर रहेगा, बट हम कस्टमर के लिए अकाउंट नहीं कर रहे, हम बिजनेस के लिए कर रहे ना, राइट। तो उसके लिए अगर ये राम कस्टमर होता ना, फाइनल कस्टमर, तो परचेस अकाउंट डेबिट 1,18,000 आता, परचेस अकाउंट डेबिट कितना आता 1,18,000। उसके लिए वो टैक्सेस पेड का कुछ बेनिफिट होगा क्या? सो ध्यान देना, सो अगर राम फाइनल कंज्यूमर होता तो राम के बुक्स में परचेस डेबिट कितना होता 1,18,000। बट राम कौन का बिजनेस कर रहा है ना, तो वो उस टैक्स का क्या लेने वाला है, बेनिफिट लेने वाला है, सेट ऑफ लेने वाला है, बराबर। तो उसको वो परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा, वो किसको डेबिट करेगा, राइट, असेट अकाउंट इनपुट टैक्स को। समझ में आ रहा है, ये दोनों में फर्क है, गुड। सो इनपुट सीजीएसटी कितना आ गया 9,000, देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना मैडम 9,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000। मैडम परचेसेस इज एक्सपेंस एंड इनपुट टैक्सेस आर असेट्स, बोथ आर इंक्रीजिंग। टू बोलो क्रेडिट क्या होगा, सीता, सीता को कितना पे करना है, सीता हमारी लाइबिलिटी बन रही है, क्रेडिटर बन रही है, तो क्रेडिटर को क्या करोगे, क्रेडिट, कितना पे करना है सीता को 1,18,000। वी आर लायबल टू पे 1,18,000 टू सीता, सीता बोलेगी इंक्लूडिंग जीएसटी पे करो, समझा नहीं समझा। सो परचेस डेबिट तो टैक्सेस भी डेबिट, परचेस डेबिट तो टैक्सेस भी डेबिट, समझ में आ रहा है। सीता के बुक्स में इंट्री एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी, जो परचेस है राम के लिए वो सीता के लिए होगा सेल्स इनकम क्रेडिट, जो राम के लिए इनपुट टैक्सेस है सीता के लिए वो क्या होंगे आउटपुट टैक्सेस, क्या होंगे क्रेडिट, एंड सीता के लिए राम कौन होगा डेटर, तो सीता राम को क्या मारेगी डेबिट मारेगी उसके बुक्स में, बराबर। तो चलो सीता के बुक्स में राम से कितना लेना है, राम डेटर बन गया सीता के लिए, अगर कोई डेटर बनता है तो उसको क्या किया जाएगा हमारे बुक्स में डेबिट, राम से कितना लेना है 1,18,000, राम अकाउंट डेबिट 1,18,000, समझा, राम से कितना लेना है 1,18,000। टू सेल्स, सेल कितना है 1,00,000, टू इनपुट नहीं, अब यहां पे आएगा आउटपुट, सेल करते टाइम लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, लाइबिलिटी बन रही तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो डेबिट करो, टू आउटपुट बोलो सी जी एस टी हाउ मच 9,000, टू आउटपुट एच जी एस टी हाउ मच, अरे मिल गया नहीं मिल गया एंड में तुम गवर्नमेंट, अच्छा ठीक है अभी एक ही ट्रांजेक्शन लिया, बराबर, समझा नहीं समझा, एंट्री समझे। सो इनपुट सीजी इनपुट टैक्सेस हमेशा डेबिट होंगे बिकॉज दे आर इंक्रीज इन असेट्स, आउटपुट टैक्सेस क्रेडिट होंगे, हाँ जब तुम पेमेंट करने जाओगे तो आउटपुट पे करोगे थ्रू इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट सेट करके सेट ऑफ करके पे करोगे। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से, मतलब आउटपुट टैक्स 10,000 है इनपुट टैक्स 8,000 है, तो गवर्नमेंट को कितना दोगे 2,000, बट कभी कभी उल्टा होता है, इनपुट टैक्स 15,000 है आउटपुट टैक्स 10,000 ही है, तो अब गवर्नमेंट से कितना रिसीव करोगे 5, बट गवर्नमेंट जनरली तुम्हें रिफंड नहीं देती, गवर्नमेंट बोलती है बाद में जब तुम सेल वगैरह करोगे ना तब एडजस्ट करना, बाद में तुम्हें हमें पे ही करना है ना तब 5,000 कम पे करो, गवर्नमेंट कैश नहीं देती, गवर्नमेंट कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगी इनडायरेक्ट टैक्स में। हाँ अगर इनकम टैक्स है तो रिफंड आता है, इनकम टैक्स है तो रिफंड
आता है। हाँ, इनकम टैक्स एक्सपेंस हुआ बेटा, ठीक है, इनकम टैक्स, बिकॉज इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉफिट इन केस ऑफ बिजनेस और इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, मैं जीएसटी पे करता हूं, मैंने बोला था मेरा खुद का जीएसटी नंबर है, आई एम रजिस्टर्ड, तो वो जो मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं, वो मेरे लिए क्या एसेट है। बट मैं मेरा इनकम टैक्स भी पे करता हूँ, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। दोनों में फर्क है, क्योंकि इनकम टैक्स का बर्डन मेरे पे, मैं इनकम टैक्स का बर्डन तुम लोगों पे नहीं डाल सकता, बट मैं मेरा जीएसटी का बर्डन मेरे कस्टमर्स पे डाल रहा। समझा नहीं समझा? इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जिसका बर्डन आप पास ऑन कर सकते हो उस टैक्स को बोलते इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुम्हें ही पे करना है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, जीएसटी विद इन इंडिया की बात होती है, कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे आज भी जीएसटी 100% एप्लीकेबल नहीं है, लिकर पे आज भी वैट है, पेट्रोल पे आज भी वैट है। वैट मैंने बोला था, डू यू रिमेम्बर, वैट किसकी लेवी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं है, इंक्लूडिंग गुजरात। आपको लगेगा कि सर मोदी है तो गुजरात गवर्नमेंट रेडी होगी, नन ऑफ द गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव राइट लीकर एंड पेट्रोल और एंड डीजल ऑब्वियसली अंडर जीएसटी। क्यों? बिकॉज लीकर पे आपने देखा लॉकडाउन में क्यों लीकर शॉप ओपन किए, क्यों स्टेट गवर्नमेंट लीकर शॉप ओपन किए, कुछ तो रीजन रहेगा, बिकॉज उस पर जो टैक्स, लीकर सेल ज्यादा होता है इंडिया में तो राइट, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसपे जो वैट लगेगा वो किसको मिलने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट इतनी रेडी थी। आपने बीजेपी गवर्नमेंट देखा होगा, वो उन्होंने बोला था कि हम होम डिलीवरी करेंगे लेकर के, उस टाइम तब क्रिटिसाइज किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जब ये कांग्रेस वाले आ गए तो उन्होंने भी वही किया। समझ में आ रहा है? मतलब रोल चेंज होता है, काम वही करते हर कोई, ध्यान देना। Are you getting my point? वैसे, so लीकर आज भी किसके अंदर है? वैट के अंदर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल भी आज किसके अंदर है? वैट के अंदर है। मतलब पेट्रोल का जो कलेक्शन है टैक्सेस का, वो किसके पास जाता है? राइट, उसमें कोई सेंट्रल टैक्स भी है, बिकॉज देयर इज लाइक कस्टम ड्यूटी वगैरह भी रहता है। तो आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, उनका टैक्स कम किया पेट्रोल में, इसलिए थोड़ा प्राइस कम हुआ था बीच में 4-5 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट भी खुद का कम करेगा तो और प्राइस कम हो जाएगी। क्यों पेट्रोल के प्राइसेस स्टेट टू स्टेट वेरी होते हैं? गुजरात में सॉरी, अब गोवा में जाओगे तो पेट्रोल अपने से 20-25 रुपए सस्ता है। क्यों? बिकॉज वहां पे मनोहर पारिकर थे, राइट, सीएम थे, उन्होंने पेट्रोल पे पूरा उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो एग्जम्प्ट कर दिए, तो बोला कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे, टूरिस्ट वगैरह आएंगे, पेट्रोल कम होगा तो उससे का फायदा गवर्नमेंट को ही होगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो उससे हम पैसा कमाएंगे। एंड उनके ही अंडर, ही वाज अ बीजेपी लीडर बट ए विजनरी पर्सन, तो उन्होंने वेरी सिंपल पर्सन, तो उन्होंने कुछ, ये जो गोवा दिख रहा है तुम्हें इतना, मतलब आज देखते हो कितना सारा कलेक्शन होगा, राइट, उनके गवर्नमेंट के लिए भी पहले बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने उनको कि ये क्या कर रहे हैं, बट उनकी विजन लॉन्ग टर्म थी। लॉकडाउन के पहले उनकी डेथ हो गई, राइट, ड्यू टू इलनेस, बट ए गुड लीडर। तो वो गोवा जो फेमस हुआ है ना टूरिज्म के लिए, उसके पीछे उनका हाथ है। तो राइट, हर स्टेट टू स्टेट पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए कम होते हैं बिकॉज देर इज नो यूनिफॉर्म टैक्स। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स से लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगाती उस पर, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स अलग से लगाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए देखो पेट्रोल के प्राइसेस इन दिल्ली इज डिफरेंट, इन मुंबई इज डिफरेंट, इन गुजरात इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। कंज्यूमर के लिए जीएसटी डायरेक्ट टैक्स रहता? नहीं, हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन योर इनकम, ये तुम्हारे इनकम पे टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स देखो, यू कैन नॉट पास ऑन
वो जो जीएसटी ना तुझे पास ऑन किया गया किसी ने, डायरेक्ट टैक्स पास ऑन नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है? हम तो पास ऑन नहीं कर रहे ना, हम तो किसी ने पास ऑन, हाँ तो हम पे पास ऑन हुआ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो इनडायरेक्ट टैक्स है, देखना पड़ेगा हमें। यस, जिसका बर्डन तुम पास ऑन कर सकते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन तुम पास ऑन नहीं कर सकते वो इनकम टैक्स, तू पास ऑन कर सकता है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स। बट क्या तुम जीएसटी पास ऑन कर सकते है? हाँ, अगर तू वो आगे सेल करेगा तो क्या तू पास ऑन कर सकता है? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि तू पास ऑन कर सकता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, तू पास ऑन नहीं कर पा रहा है बिकॉज यू आर कंज्यूमर, बट कैन यू पास ऑन? यस, अगर तू वही बिजनेस करेगा तो तू आगे पास ऑन कर सकता है क्या? यस, आर यू गेटिंग? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, ठीक है? सो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। राम, अब मैं राम ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं है, एनी वन कैन बी पॉसिबल। राम पेड रेंट ऑफ रुपीज, राम पेड रेंट ऑफ रुपीज 50,000 टू राइट भरत, जीएसटी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। जीएसटी ऑलमोस्ट हर चीज पे लगता है, ध्यान देना। चलो यहाँ पे तो हमें राम के बुक्स में भी एंट्री पास करनी है और भरत के इसमें भी, मतलब तुम्हें दोनों समझेगा बराबर। इन द बुक्स ऑफ राम, राम के लिए रेंट इज इनकम और एक्सपेंस, राम के लिए, और भरत के लिए इट्स ए इनकम। राम के लिए पेमेंट है, भरत के लिए रिसीट है। ओके, राम, अच्छा राम के बुक्स में कोई सोच सकता है एंट्री क्या आएगी? कैन एनीवन गेस द एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट कितना होगा? 50,000। फिर उस पर टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस पे करने, इनपुट टैक्सेस है, तो आप क्या करोगे इनपुट टैक्सेस को? डेबिट एंड टू कैश इंक्लूडिंग जीएसटी पे करोगे, बराबर? तो यहां पे आएगा रेंट अकाउंट डेबिट, लिखो। कितने का रेंट है? सो अलविद मेंबर, बिजनेस के लिए जीएसटी इज नॉट एक्सपेंस, जीएसटी इज राइट असेट, जीएसटी पेड इज असेट। रेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट बोलो पे कर रहे हो ना, टैक्स पे कर रहे हो ना मैडम, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट कितना? 4,500। नेक्स्ट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट कितना? 2, बोलो 2 कैश ऑब्लिक बैंक, हम कैश लेंगे, टोटल कितना पे करोगे? 59,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। अरे समझा नहीं समझा? सर इस केस में फिर राम के लिए जीएसटी और सीजीएसटी एक्सपेंस होगा, क्यों? वो बेनिफिट लेगा ना, वो गुड सेल करेगा तो उसपे आउटपुट जीएसटी लेगा, उसके आगे से बेनिफिट लेगा। हाँ तो मैडम ऐसे थोड़ी है, थोड़ी है, तुमने जीएसटी पेड, किसका भी जीएसटी तुमने पेड किया उसका बेनिफिट तुम आउटपुट जीएसटी का ले सकते हो ना, ये बिजनेस के लिए ना, रेंट भी किसके लिए है? बिजनेस के लिए है, समझ में आ रहा है? तुमने लैपटॉप परचेस किया उसका भी जीएसटी का तुम बेनिफिट ले सकते हो, ऑब्वियसली। ये अरे मैडम तुम जो जीएसटी पे करते हो वो तुम्हारा असेट है, और तुम जीएसटी कलेक्ट करोगे वो तुम्हारी क्या है? लायबिलिटी। मैंने ये थोड़ी बोला कि गुड्स का ही जीएसटी ले रहा है, इट कैन बी एनी जीएसटी दैट यू पेड, इट कैन बी रेंट, इट कैन बी लाइक कमीशन, आपने किसी को कमीशन पेड की वो तुम्हें जीएसटी लगाता है, तुम रेंट पे करे वो जीएसटी लगाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैंक चार्जेस लगाते हैं उस पर भी जीएसटी रहता है,
समझ में आ रहा है? तुमने लॉयर की सर्विस ली है वो भी जीएसटी लगाता है तुम्हें, तुमने सीए की सर्विस ली है वो भी जीएसटी लगाता है, ये सब तुम जीएसटी पे कर रहे हो, ये तुम्हारे एक्सपेंस नहीं होते, क्या होते हैं? असेट। और वो जीएसटी असेट तुम कहां पे यूज करोगे? तुम जो बिजनेस करो, तुम जिन जिन को जीएसटी लगा रहे हो वो लायबिलिटी पे करने के लिए यूज करोगे। एनी जीएसटी पेड बाय बिजनेस कैन बी असेट। समझ में आ रहा है? अब इसमें और तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स में समझेगा किसका बेनिफिट ले सकते हो किसका नहीं ले सकते हो, बहुत सारी चीजें भी है, बट इसका बेनिफिट तुम ले सकते हो, रेंट का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, रेंट इज सर्विस, वी आर परचेसिंग द सर्विस, गुड्स ही नहीं मैडम, जीएसटी है, सर्विस भी हो सकती है। सीए की सर्विस ले रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा, लॉयर की सर्विस ले रहे हैं उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहे हो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, खाली गुड्स नहीं है मैडम। समझ में आ रहा है? इफ यू बाय द सर्विसेज उस पे भी जो जीएसटी दोगे वो भी तुम्हारे लिए क्या है? असेट। सो रेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू कैश अकाउंट हाउ मच 59,000। यस सर नो? अब यहाँ पे भरत के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? ही विल रिसीव, राइट, ही विल रिसीव हाउ मच? 59,000। भले वो 59,000 मिलेगा बट उसका खुद का कितना है? 50,000। तो यहाँ पे कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बोलो कितना? 59,000। अरे रश्मिता मैडम समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बीमार है क्या तू? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 59,000 टू, पहले रेंट लेंगे ना, पहले रेंट लेते हैं तो रेंट उसके लिए क्या है? रिसीव्ड इनकम। यू हैव टू यूज द अकाउंट रेंट रिसीव्ड अकाउंट 50,000 टू बोलो आउटपुट सीजीएसटी हाउ मच? 4,500 टू सेल कर रहे हो तो आउटपुट एसजीएसटी हाउ मच? 4,500। राम के लिए एक्सपेंस है 50,000, सीता के भरत के लिए इनकम है 50,000। अरे समझा नहीं समझा, थोड़ा फर दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यस सुनो नाउ, आगे ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। लिखो प्रेम, राइट, परचेस्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 5,00,000 सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9%, ये एडिशन या एडिशनल, समझा? अरे यस नो बोलो ना। यहां पे ध्यान देना एवरीवन, ठीक है, प्रेम ने मशीनरी परचेस की, प्रेम परचेस मशीनरी रुपीज 5,00,000, सीजीएसटी पेड इज 9%, एचजीएसटी पेड इज 9%, राइट, ही परचेस्ड it on cash basis from Kirloskar Brothers Limited, KBL, Kirloskar पता है ना तुम्हें? बहुत famous है Kirloskar Brothers Limited, पुणे based company है, KBL, generators वगैरह बनाते हैं वो लोग, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो जनरेटर्स वगैरह लगते हैं ना वो केबीएल वाले बनाते हैं, ठीक है? फिनोलेक्स पता है? फिनोलेक्स पुणे बेस्ड कंपनी है, पाइप्स, वो एड सुनी होगी फिनोलेक्स ने आनल पानी सेत पे क्लेस होने वाली, फिनोलेक्स पिंपरी चिंचवड़ में जो गए होंगे, फिनोलेक्स चौक भी उधर,
कोई पुणे के भी बेस्ट कंपनी जो बहुत फेमस है, ठीक है, नहीं केबीएल, ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, मुझे प्रेम के बुक्स में भी एंट्री डालनी है और केबीएल के बुक्स में भी एंट्री डालनी है, सॉल्यूशन। चलो प्रेम के बुक्स में और फिर केबीएल के बुक्स में, प्रेम पहले प्रेम के बुक्स में सोचो क्या एंट्री आएगी। प्रेम परचेस मशीनरी, परचेस अकाउंट क्यों ले रहे, कोई रीजन परचेस अकाउंट में फिक्स एसेट है, परफेक्ट। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, कितने की मशीनरी बाय की 5 लाख, ये 5 लाख की मशीनरी है, इस पर टैक्स लगा है ना, कौन सा टैक्स मैडम, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, तो पे कर रहे हो तो कौन सा टैक्स है मैडम, इनपुट डेबिट होगा सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना मैडम 45,000 आ रहा है, गुड। इनपुट दूसरा कौन सा टैक्स पे करोगे, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाउ मच, अरे यस और नो, टू बोलो मुझे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो कैश लेते हैं, रियलिटी में इतनी बड़ी कैश कोई लेके नहीं जाएगा, वो बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, आजकल चेक भी नहीं होते, आरटीजीएस होता है, एनपीएस होता है, एनईएफटी होता है, बट ठीक है, 5,45,000 समझा। सो मैडम इनपुट जो टैक्स पे कर रहे हो वो क्या होता है मैडम, डेबिट होता है, असेट है वो, बराबर। तो मुझे बोलो प्रेम के लिए मशीनरी 5,90,000 की हो गई या 5 लाख की हो गई, 5 लाख। लास्ट चैप्टर में जब हम डेप्रिसिएशन देंगे, हम 5 लाख पे डेप्रिसिएशन देंगे, ना कि 5,90,000 में, बिकॉज जितनी मशीनरी है राइट उस पे डेप्रिसिएशन आएगा। अब मैं तुम लोगों से, आई एक्सपेक्ट एंट्री फ्रॉम केबीएल, इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन, केबीएल के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, सोच समझ के एंट्री दो। हाँ बोलो, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, ओके, वही मैं बोल रहा हूं, इज इट टू मशीनरी और टू सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अरे उनके लिए वो क्या है, गुड से, वो गुड सेल करे, जो मेरे लिए क्या है, मशीनरी। अरे समझा नहीं समझा, इट इज नॉट टू मशीनरी, अरे उनका तो क्या है, बिजनेस है ना, जनरेटर्स वगैरह वो मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, अरे वो हमारे लिए मशीनरी है, हम उसमें बिजनेस नहीं कर रहे। अरे ध्यान देना, हमने कार परचेस की निक्सा से, उनके लिए वो गुड्स है, वो सेल बोलेंगे, हम परचेस नहीं बोलेंगे, हम व्हीकल अकाउंट बोलेंगे। अरे समझा नहीं समझा, तो यहाँ पे टू मशीनरी है बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है, टू सेल, वही मुझे चाहिए। तो बोलो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, उनका बिजनेस है तो सेल्स आएगा, बोलो कितना, दे विल रिसीव 5,90,000 फ्रॉम अस, टू 5 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी हाउ मच, टू बोलो आगे, हाउ मच, अरे यस नो, अरे कुछ दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है। सो मैडम टू मशीनरी नहीं, ठीक है, उनके लिए वो गुड्स है तो दे विल कॉल इट एज अ सेल, वो उसको करंट असेट बोल रहे हैं, उसको गुड्स बोल रहे हैं, हम उसको फिक्स असेट बोल रहे हैं, मशीनरी बोल रहे हैं, समझा नहीं समझा, अरे यस नो। अब मैं आपको कोई रियल लाइफ के एग्जांपल दिखाता हूँ और मैं हमारे बुक्स में क्या एंट्री हुई वो भी दिखाता हूँ, 2 मिनट देना मुझे। यस, गिव मी 1 मिनट, ठीक है, सो आई हैव शेयर्ड 2 invoices, मैं स्क्रीन पे भी वो लेके आता हूं और हम उसकी रियल लाइफ में क्या एंट्री डालेंगे वो मैं तुम्हें दिखाता हूं अलोंग विथ टैली, टैली में कैसे एंट्री आएगी वो भी समझाता हूं, ठीक है।
यस ध्यान देना, यह तुम्हारा ऐसे अब मुझे मेल आया होगा, मैंने खुद को भी मेल किया है और मैंने ग्रुप पे भी भेजा है तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ये फर्स्ट इनवाइस है, ध्यान देना। This is the first invoice, ध्यान देना, ठीक है? Everyone, we have purchased it from Amazon, but Amazon से नहीं buy कर रहे, there are various sellers who are listed on Amazon, उनसे buy कर रहे, sold by मतलब, this is a seller, हमने किससे buy किया है? ये Aperio Retail Private Limited, मैडम कहाँ पे? मतलब महाराष्ट्र। और बायर इज, बोलो बायर इज एकत्वम एकेडमी, तो बायर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, सेलर इज आल्सो फ्रॉम, तो मैडम क्या आना चाहिए? सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी? दिख रहा है? अरे यस नो, आगे, अरे मैडम 9% ये शिपिंग चार्जेस का था, बट शिपिंग चार्जेस उन्होंने, आई एम ए प्राइम कस्टमर, तो मुझे उन्होंने क्या किया है? डिस्काउंट दिया है। एक प्रोडक्ट है, दूसरा शिपिंग चार्जेस है, बट शिपिंग चार्जेस बीइंग ए प्राइम कस्टमर तुम्हें क्या होता है? वे ऑफ हो जाता है, तो उसका जीएसटी उन्होंने लगाया क्या? उधर डिस्काउंट कॉलम दिख रहा है क्या? आगे समझा? नेक्स्ट, आगे ध्यान देना, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, जो सेलर है उनका राइट क्या है? जीएसटी नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैन नंबर ही जीएसटी में आता है, पैन नंबर ही किसमें आता है? इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। सो यहां पे एकत्वम एकेडमी है और उनका जीएसटी आपको यहां पे दिखेगा, स्टेट कोड 27 मतलब महाराष्ट्र, बराबर ना? ये तो बताओ तुम लोगों को राइट। आगे दिस इज इनवॉइस नंबर राइट, इस इनवाइस नंबर का इंपॉर्टेंस होगा मैचिंग के लिए, एंड दिस इज डेट ऑफ इनवाइस, हमने कब परचेस किया है? 19 सितंबर 2021, ठीक है? वो हमने हार्ड डिस्क परचेस की थी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो लेक्चर्स वगैरह होते हैं हम उसमें सेव करते हैं राइट, कॉपी पेस्ट उसमें करते हैं। सो इट वॉज 2 TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है मैडम? उसकी प्राइस कितनी थी? 4650। क्वांटिटी परचेस्ड इज 1, इसलिए यूनिट प्राइस 4650 मल्टीप्लाई बाय 1, फाइनल प्राइस कितनी आ गई? नेट अमाउंट 4650। कुछ डिस्काउंट है क्या? नहीं है। उस पे 9% सीजीएसटी एंड 9% एचजीएसटी, टोटल मिला के कितना हो गया? 5487। टोटल जीएसटी कितना हो गया? 837। समझ में आ रहा है? अरे यस नो? तो अब हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? एक तो हमके बुक्स में क्या एंट्री आएगी, ध्यान देना। सपोज हम इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल सकते हैं या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। हमने इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोला है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। हमारे लिए एक्सपेंस कितने का है बोलो मुझे? 4650 उसकी प्राइस है, प्लस सीजीएसटी लगाए 480.50, एचजीएसटी लगाए कितना? 418.50। मुझे बोलो हमने टोटल कितना पेड किया है? 5487.00, बराबर? तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 4650। अरे यस नो? क्या एंट्री आएगी? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 4650। हमने जीएसटी पेड किया ना, हमारे लिए क्या है? इनपुट सीजीएसटी, एंड दूसरा क्या रहेगा? इनपुट
एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना बोलो मुझे? 418.50 सपोज ये हमने कैश से पेड किया 2 कैश, अगर हमने चेक से पेड किया 2 बैंक, अगर ये मैंने एकोतम के लिए पेड किया है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ एकोतम कैंप, किसने पेमेंट करना चाहिए? एकोतम एंड कैंप, एकोतम कैंप ने पेड करना चाहिए। बिजनेस एंटिटी कंसिडर क्या बोलते हैं? ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट। तो अब ध्यान देना, अगर मैंने पेमेंट किया है तो बाद में मैं एकोतम से रिकवर करूंगा, तो क्या ये ट्रांजैक्शन अगर मैं पे करता हूं, राइट अंडरस्टैंड, इफ आई पे दिस ट्रांजैक्शन, अगर इसके लिए मैं पेमेंट करता हूं तो कैश बोलना गलत होगा, बैंक बोलना गलत होगा, बिकॉज एकोतम नहीं पे कर रहा है, एकोतम हैज टू पे टू मी, मैं एकोतम के लिए क्या बन जाऊंगा फिर? क्रेडिटर, पीएनजेड अकाउंट। कितना आएगा टोटल? 5484। अगर एकोतम कैश पे करती है टू कैश, अगर एकोतम चेक से पेमेंट करता है टू बैंक, बट मैं एकोतम के लिए पेमेंट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं एकोतम के लिए पेमेंट कर रहा हूं, तो एकोतम विल लेटर ऑन पे टू मी, आई विल बी क्रेडिटर, ऑब्वियसली क्रेडिटर। ठीक है, ध्यान देना, अब मैं यही एंट्री तुम्हें टैली में दिखाता हूं, ये एंट्री में टैली में दिखाता हूं, ध्यान देना। ठीक है, मैंने ग्रुप पे शेयर किया ना ये इनवॉइसेस, अरे यस नो? एक सेकंड, पुराना टैली चल रहा है, ये नया वाला है, एक मिनट, पुराना भी चल रहा है तो वो भी चल जाएगा, ये अभी अपडेट हुआ है। This is a tally ERP, ठीक है? हाँ, पुराना वाला ये हुआ है। यहाँ पे आ गया, you will find the name of the company, यहाँ पे एकोतम एकेडमिक कैंप, ठीक है? यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा मुझे, ठीक है? ठीक है, ये उसको बोलते राइट गेटवे ऑफ टैली, मतलब ये फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, अब मैं यहां पे देख रहा हूं, मुझे एंट्री दिखनी है ना, क्या दिखनी? एंट्री, तो लेट मी शो यू द एंट्री डिस्प्ले। अकाउंट बुक्स, लेजर, लेजर याद है ना, जर्नल एंड लेजर होते हैं ना, मैं लेजर में जा रहा हूं और मुझे यहां पे डालना है, या अगर इसी कंपनी का नाम रहेगा, क्या नाम था बोलो मुझे, है दिख गया तुम्हें? अरे यस नो? यहां राइट डाल देना, अमेजोन लिखा है मैंने, वो क्लिक होने के लिए मैं ये अमेजोन से बाय किया हूं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, ध्यान देना, इनसे हमने कब कब बाय किया है वो यहाँ पे आपको मैं पीरियड डालता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से आज तक। ये ट्रांजैक्शन कितने का था बोलो मुझे? 5487 ना, 5487 कब का था लेकिन ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट सॉरी 20, अच्छा तो मुझे यहाँ पे पीरियड डालना होगा, ठीक है ध्यान देना। मुझे पीरियड चेंज करने दो, 1 अप्रैल 2020 से, अच्छा तब मैंने डायरेक्टली रिपेयर सम इंटरेस्ट पे डाला होगा शायद से, फिर उस टाइम मैंने रिपेयर सम इंटरेस्ट पे डाला होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से, देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डेबिटेड टू रिपेयर सम मेंटेनेंस, क्या तारीख थी? 19 सितंबर कुछ तो था ना, ये वाला है 4650, ओके यही था, यस yes.
ठीक है, मैंने वही इंट्री बोली ना तुम लोगों को, दिख रहा है इंट्री? इंट्री में क्या दिख रहा है देखो, क्या डेबिट है मैडम, तारीख दिख रही है 19 सितंबर, दिख रहा है 19 सितंबर? देखो यहाँ पे 19 सितंबर दिखेगा, 19 सितंबर डेट, ठीक है। डेबिट किसको किया मैंने, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, कितना डेबिट किया है 4650, बाय मतलब डेबिट, टैली में वही से लिखते बाय, ठीक है। सीजीएसटी इनपुट, मैंने और क्लियरिटी रखा है, वो इनपुट किस पे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखा है, मैं और क्लियरिटी लाता हूँ लेजर के नेम में तो मुझे बाद में क्लिक हो जाए। सीजीएसटी इनपुट दिखा, कितना था सीजीएसटी इनपुट 418, देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 4650 दिखा सीजीएसटी इनपुट। अब हम रियल लाइफ में हम उस इनपुट का किस लिए, वो भी हमें मेंशन करना होता है, एचएसएन कोड होता है वो डालना होता है, ठीक है। इसलिए इतना बेसिक लेवल पे, माइनूट लेवल पे अकाउंटिंग है 418.50। देन एचजीएसटी इनपुट ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है 450। तो पीएनजेड करंट अकाउंट, पार्टनरशिप में सीखोगे इन नेक्स्ट ईयर, पार्टनर का जो अकाउंट होता है जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। एक मेरा कैपिटल अकाउंट रहेगा, दूसरा मेरा करंट अकाउंट रहेगा, दो अकाउंट्स रहेंगे इनके बुक्स में। तो ये ट्रांजैक्शन में रूटीन बेसिस पे कर रहा हूँ, ये किसमें आया, मेरे करंट अकाउंट में आया, मैं उनके बुक्स में, एक अदम के बुक्स में कौन हूँ, क्रेडिटर हूँ टू दैट एक्सटेंट, राइट। और नीचे नरेशन दिख रहा है, देखो यहाँ पे इनवाइस नंबर वगैरह आ गया, नीचे देखो बींग परचेसेस ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फ्रॉम दैट सप्लायर्स राइट वी आर एमेजॉन, मिल गया तुम्हें, यही जर्नल एंट्री हमने लिखी है। अरे समझा नहीं समझा, पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, अरे समझा नहीं समझा, दिस इज लाइव एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल दिखा तो ध्यान देना, अब दूसरा एक और है, चलो जो उस दिन हमने डिस्कस किया था भाई, मतलब तुम्हें समझेगा एग्जैक्टली हम करते क्या है। खाली मैं अकाउंट सिखाता नहीं, मैं अकाउंट्स करता भी हूँ, हमारे खुद के अकाउंट्स हम मैनेज करता हूँ, ठीक है। एक होता है खाली सिखाना, रियलिटी में क्या चल रहा है वो नहीं पता, ध्यान देना। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट इनवाइस है, उस दिन भी हमने इसको डिस्कस किया था इफ रिमेम्बर राइट, बिल टू एकत्वम एकेडमी राइट, ध्यान देना। यहाँ पे एकत्वम एकेडमी का क्या है, जीएसटी नंबर है राइट, देन उसके बाद यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज द डिटेल्स ऑफ सेलर, सेलर इज फ्रॉम पुणे, बायर इज ऑल्सो फ्रॉम पुणे, तो तुम्हें क्या लगा है सीजीएसटी जीएसटी। देखो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट है लेस डिस्काउंट, फिर आएगा तुम्हारा नेट अमाउंट, फिर लगा उस पे सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, आई थिंक वो भी 9% ही है, वो भी टोटल 18% है, मतलब 9% राइट। आईजीएसटी का कोई सवाल है क्या इस क्वेश्चन में, इस इनवाइस में? नहीं। कितने का बिल बना 1500 राइट। अच्छा आगे पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये भी पेमेंट मैंने ही किया था, ठीक है। जीएसटी राइट, ये कस्टमर्स के डिटेल्स है, सॉरी ये उनके डिटेल्स है, सॉरी ये उनके डिटेल्स है फॉर यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अभी हमारे बुक्स में एंट्री आएगी, ये भी हमारे किस में जाने वाला है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंट्री आएगी, बोलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना बोलो मुझे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1271.90 बराबर, अच्छा 19 अच्छा वो राउंड ऑफ करके क्या उन्होंने फिर 80, ठीक है जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद बोलो सी इनपुट, बोलो मैडम क्या इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट कितना 114.41, फिर क्या आएगा इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट हाउ मच 114.41। अगर एकत्व में पेड किया है टू कैश, अगर एकत्व ने चेक के या बैंक के थ्रू पेमेंट किया है बैंक,
अगर मैंने एक तो उनके लिए पेड़ किया है पीएनजेड करंट अकाउंट कितना 1500। आई विल शो दिस एंट्री इन द बुक्स ऑफ एकत्व ऑन 4th September 2020। आई थिंक ये भी मैंने रिपे से मेंटेनेंस में डायरेक्टली डाला होगा। फोर्थ सितंबर था नहीं, क्या था? 4th September 2020 अमाउंट कितनी थी 1500 राइट? नहीं वो मई 20, ये अलग है मैडम, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। लेट मी चेक, शायद रिपेयर या मेंटेनेंस नहीं होगा। पीरियड में इंसर्ट करता हूं, क्या डेट थी 4th September 2020। अच्छा कभी कभी वो कभी कभी मैं कंबाइन एंट्री है वहां पे, मतलब एक मंथ में दो तीन रहेंगे। ये वो ये वाली एंट्री है, दिख रहा है? वो एक पैसे का डिफरेंस था ना, वो उन्होंने डिस्काउंट, मैंने वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, ध्यान देना। क्या एंट्री आ गई मैडम? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, मैंने वो 1st October को डाली है। एक्चुअली मैंने पेमेंट उस दिन किया, बट मुझे डिलीवरी कुछ तो 1st October को मिली, उस दिन जाके मैंने पेमेंट किया था, तब मैंने तब एंट्री डाली, ध्यान देना। तो क्या एंट्री आ गई मैडम? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, दिख रहा है तुम्हें? 1719 लिया मैंने, उन्होंने बाद में यहाँ पे एक पैसा कम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो मेरी एंट्री आगे देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 1271.92, मतलब डेबिट ही, बाय मतलब डेबिट। सीजीएसटी इनपुट दिख रहा है 114.41 राइट। देन एचजीएसटी डेबिट कितना, इनपुट एचजीएसटी इनपुट लिखा है, इनपुट एचजीएसटी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 114 टू पीएनजेड करंट अकाउंट, क्यों? बिकॉज ये पेमेंट मैंने किया है, बाद में मैं एकदम से पैसे ले लूंगा, ठीक है? देन दिस इज द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस नंबर, नीचे लिखा है बीइंग परचेस ऑफ आईपैड पेंसिल टी फ्रॉम यूनिकॉर्न स्टोर्स, नरेशन आ गया। दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल, ये एक्चुअल एग्जांपल है, उससे बड़ा और क्या चाहिए? अरे समझा नहीं समझा, दिस इज द वे यू डू द अकाउंटिंग, ठीक है? तो आज हमने सीजीएसटी एंड एचजीएसटी की अकाउंटिंग समझी है। ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए मैं बोलता हूँ, हमारे लिए जर्नल के जितने सारे कंसेप्ट से जर्नल चैप्टर के हमने कवर किए, सो कल से हम प्रॉपर टेक्स्ट बुक में जो जर्नल के क्वेश्चंस है हम वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हम वो सॉल्व करना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। सो मुझे जो भी कंसेप्ट सिखानी थी, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, वो मैंने की है, और आपने देखा होगा मैंने उसका एक लेक्चर भी तुम्हारे साथ शेयर किया है ऑन द ग्रुप, राइट? ये भी मैं लेक्चर डाल दूंगा, वो ऐप पे भी रहेगा अपने, और मैं आपको ग्रुप पे भी भेजूंगा, सो दैट यू कैन रिवाइज इट क्विकली, ठीक है? सो राइट, कल से हम जर्नल चैप्टर के वन बाय वन क्वेश्चंस लेते रहेंगे। हमने ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट अभी तक डिस्कस की है, एंड इसी जर्नल चैप्टर से मान के चलो आज इस मंडे को है, नेक्स्ट मंडे को राइट क्या तारीख रहेगी, 17-18 तारीख रहेगी, बराबर ना? राइट, आई विल ऑल्सो टीच यू लेजर, एक बार जर्नल आ गया तो लेजर आ जाएगा बिफोर यू गो ऑन वैकेशन ऑफ दिवाली, राइट? हम लोग लेजर करेंगे, एंड आई विल आल्सो गिव यू सम होमवर्क ड्यूरिंग दिवाली, 4-5 दिन की या हफ्ते भर की जो छुट्टी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, राइट? देयर विल बी होमवर्क फॉर यू, जो मैं बाद में खुद चेक करूंगा, राइट? सो हम बिफोर दिवाली, हमारा जर्नल भी खत्म होगा, हमारा लेजर भी खत्म होगा। लेजर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ जर्नल, जिसको जर्नल आ गया उसके लेजर टाइम पास हो गया। अरे समझा नहीं समझा मैंने क्या बोला, राइट? सो अकॉर्डिंगली हम बिफोर दिवाली, राइट, हमारा लेजर भी क्या होगा मैडम, खत्म होगा।
क्लियर है? यस, थैंक यू।